किस कदर शुक्रिया अदा करूं आप सबका अल्फाज नहीं मिलते। जिंदगी इतनी खूबसूरत ना होती जो आप जैसे दोस्त नहीं मिलते। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। लास्ट ईयर जो सपोर्ट आपने मुझे और डिस्ट्रिक्ट को दिया काम करने के लिए एज ए हारमोनी, और उसी का नतीजा है कि कोविड के बाद में हम इतना अच्छा काम और अपना परफॉर्मेंस कर सके। दोस्तों, मैं यहां पर आया हूं नेटवर्क बंका का सपोर्ट करने, और नेटवर्क बंका का सपोर्ट मैं इसलिए कर रहा हूं, हमारे साथ और भी कई कैंडिडेट हैं, सब में कुछ ना कुछ खूबियां हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन नेटवर्क बंका में वो सारी खूबियां हैं जो कि एक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनने के लिए होनी चाहिए। जैसे मैं आपको बताऊं, लीडरशिप एबिलिटी, इन्होंने जब प्रेसिडेंट बने 15 साल हो गए इनको लायनिज्म ज्वाइन किए हुए, एक्सपीरियंस लेते गए, और जब प्रेसिडेंट बने तो एक ही साल में इतनी जल्दी वो कनेक्ट हो गए सब लोगों से कि उनको नेक्स्ट ईयर सीधा रीजन चेयरमैन का पोस्ट मिला, और जब रीजन चेयरमैन बने तो पूरे डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट हो गए। तो इन्होंने डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग करीब 20 से ज्यादा क्लबों में जाने का मिलने का मौका मिला, और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा, और उसी की बदौलत ये इस साल ज्वाइंट कैबिनेट सेक्रेटरी बने, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है क्या होता है वो इन्हें जानने का मौका मिला। उसके बाद आता है क्लब बैकग्राउंड। यदि किसी भी कैंडिडेट का क्लब उसका सपोर्टर हो और इतना बड़ा क्लब, तो फिर उसके लिए बहुत ही अच्छा एक गर्व की बात होती है, और उसके पीछे वो बैकिंग होती है कि इतना बड़ा क्लब डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट से जुड़ने जा रहा है। थर्ड है करेक्टर। आदमी का करेक्टर यदि अच्छा होता है तो हम खुद चाहते हैं कि लीडर की कैसा होना चाहिए, वो एकदम साफ सुथरा अच्छा हो और मेहनत से पूरे डेडिकेशन के साथ काम करता हो, तो ऐसा ही लीडर हमें चाहिए। उसके बाद है फैमिली सपोर्ट। भाभी जी का सपोर्ट हर समय में 24 घंटे साथ में रहता है। ये मैंने जब प्रेसिडेंट बने उस दिन से देखा है, आज तक देखा है, जब भी ये कहीं गए हमेशा कोई भी चाहे लायंस की मीटिंग हो या कुछ भी हो, और पूरी फैमिली का सपोर्ट इनको मिला है। इसके साथ बिजनेस स्टेबिलिटी, यदि आप स्टेबल हैं तो आप टाइम दे सकते हैं लायनिज्म में, और यदि आप टाइम नहीं दे सकते, आप अपने में अटके रहते हैं, तो फिर आप पूरे 100% डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर सकते। इनको पूरा का पूरा बिजनेस स्टेबिलिटी है। लास्ट है मेरे ख्याल से जो है वो इंटेंशंस, इनका इंटेंशन है सेवा करना, और सेवा के लिए ये शुरू से जुड़े हुए हैं। तो मेरी एक बार रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सबका वैल्यूएबल वोट सोच समझ के दीजिए, लेकिन नेटवर्क बंका को दीजिए। थैंक यू। कि जब तक हमें सैटेलाइट का आशीर्वाद नहीं मिले हम लोग सफल नहीं हो सकते हैं, तो आप लोग के आशीर्वाद की हमें बहुत जरूरत है, और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से नेटवर्क जी के लिए आपको समर्थन जाहिर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो नेटवर्क जी को मैं लास्ट ईयर से ही जानती हूँ, जब मैं पीआर टीम में थी और डायरेक्टरी का काम था, तभी हमेशा ये मतलब बहुत इन्होंने कोऑपरेट किया है। जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी मुझे तुरंत देते थे, फिर बुलेटिन आता था, बुलेटिन के लिए फोटोग्राफ चाहिए थे, क्या प्रोजेक्ट है क्या, वो तुरंत मतलब क्या बोलते हैं इंस्टेंट इनके पास से पहले ये आरसी थे कि वो मुझे इन्फॉर्मेशन देते थे। बाकियों को मुझे फोन करके इतना बोलना पड़ता था कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए जल्दी दे दो। और अभी तुरंत मराठी दिवस हुआ था तभी उन्होंने मुझे फोन किया कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने बोला मदद कुछ मत करना, सिर्फ विचुअल ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को देना, यही सिर्फ मैं मदद चाहती हूँ। और उन्होंने 50 सबसे ज्यादा इन्होंने विचुअल्स मेरे पास से लिए मराठी दिवस के लिए। और वैसे उनका नेचर तो बहुत कोऑपरेटिव है ही, तो मैं इनको शुभेच्छा करती हूँ कि सेकेंड बीडीजी के पोस्ट के लिए आपको हमारी क्लब से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप जरूर आएंगे ये वादा करती हूँ। एंड सपोर्ट ऑफकोर्स उसको संभालना है, और मुझे लगता है लायनिज्म में भी हम अगर वो करेंगे तो हमारी धरोहर हमेशा चलती रहेगी। एंड थैंक यू, आपने मुझे मौका दिया जुड़ने का आपके साथ, और कल प्रोजेक्ट है इनकी तरफ से, मैं भी आपको बोलता हूँ, हमारी क्लब से भी बोलता हूँ कि कल सब आइए, एंड आप जब आएंगे तब पता चलेगा वो कितनी बड़ी धरोहर है। थैंक यू सर। मेरे सामने
बैठी सभी प्रणम्य उपस्थितियों को मैं नमन करता हूं, सभी लायन साथियों को मेरा नमस्कार। सेवा की ललक की एक झलक आपने देखी है, प्रथम प्राथमिकता मत देकर तो देखिए, परियोजनाओं की पूर्ति की कतार अभी बाकी है। और इतने दिनों से नटवर जी के बारे में आप सब लोग बहुत कुछ सुन रहे हैं, बहुत कुछ जान रहे हैं, काफी लोगों को करीब से जानने का मौका भी मिला। मैं चंद लाइनों में नटवर जी का संक्षिप्त विवरण देने की कोशिश करता हूं। आप सभी से निवेदन है, मेरे साथ अंतिम लाइन में नटवर है रिपीट कीजिएगा। सृष्टि का संबल गिरधर है, डिस्ट्रिक्ट का मजबूत उम्मीदवार नटवर है, मानवता के गुणों में श्रेष्ठ किरदार नटवर है, सपन पुत्र माँ बाप के अपने नटवर है, सेवा के क्षेत्र। अभी आपने जो 1.5 साल की बच्ची का बोला तो मुझे एक पढ़ा हुआ याद आया कि एक सर्जन की शादी हो रही थी और एक बच्ची के गले में सुई अटक गई, तो वो शादी छोड़ के वो सुई निकालने के लिए गया। वैसे ही आपने किया है, तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और हमारा क्लब तो नया है, अभी मुझे बहुत कुछ मालूम नहीं है, फिर भी हमारा सारा सपोर्ट आपके साथ में रहेगा। हमारे क्लब की तरफ से हम आपके साथ में है। थैंक यू। सर्व लायन मेंबर्सना मला नमस्कार। लायन्स क्लब ऑफ केळेच्या सर्व शुभेच्छा जर आहेतच त्यांच्यासोबत, पण माझ्या सर्व सॅटेलाइट लायन मित्रांना मी आवाहन करतो की आपलं फर्स्ट प्रिफर्मेटिव्ह वोट नटवरजींना द्यावे ही नम्र विनंती। आमचे तर आहेतच, आमचे तिन्ही वोट तुम्हालाच मिळणार, त्याबद्दल संशय कुठलाही संशय बाळगू नका। नटवरजींबद्दल एकच सांगेल, प्रोजेक्ट तर ते करतीलच त्याच्याबद्दल शंका नाही, पण माझ्या 10 वर्षाच्या लहान कारकिर्दीत प्रथमच एखाद्या लहान क्लब, आमचा क्लब लहान आहे, लहान क्लबकडे येऊन स्वतः येऊन त्यांनी विचारपूस केली आणि आमचं वोट मागितलं आमच्याकडे, त्याबद्दल मी त्यांचे खरोखर धन्यवाद मानतो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ना माझ्याकडून खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा, आणि तुम्ही नक्कीच जिंकून येईल हे मी प्रॉमिसपणे सांगते। आणि तुमचं काम तर खूप जोरात चालू आहे, मुंबईला वगैरे मी बघितलं, आणि तुमचे जे म्हणजे जे तुम्ही कामाची पद्धत हे पण मी पाहिलं, तर खूप चांगल्या पद्धतीने आहे आणि तुम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने मदतही करतात। आता श्रद्धा मॅडमने पण सांगितलं, अशा लोकांना खूप गरज असते की ताबडतोब मदत मिळाली तर आपलं त्याचं काहीतरी चीज होते, आणि त्याच्यातून तुम्ही छान सपोर्टिंग करतात आहे आणि लोकही तुम्हाला छान प्रकारे सपोर्ट करेल। मी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देते। आफ्टर लॉन्ग टाइम आय सीन नटवरजी, ये ना चीज है ना, मैंने नायक राजीव मनोहर जी के बारे में देखा था, जिस तरीके से वो नीचे जाके मिलते थे वो आज मैंने देखा। बहुत दिन के बाद राजीव मनोहानी आए ऐसा लगा मुझे, आज राजीव मनोहानी जी आते थे तो मैं उनको वही बात करता था। अभी अभी जो यहाँ पे कैंडिडेट है और उस कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कुछ पास्ट गवर्नर्स भी, मतलब फ्यूचर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आने वाले हैं यहाँ पे और पास्ट गवर्नर्स उनके सामने हैं। अब पास्ट गवर्नर्स है तो मैं सबसे पहले यहाँ पे बुलाना चाहूंगा सर विद द हार्मनी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, इमीडिएट पास्ट गवर्नर लाइन हेमंत राज जी सेठिया। Presiding officer and friends,
दुश्मन अपनी अदाए यारों से जुदा बचना है हसीनों लो मैं आ गया शांति हो।